खानाबदोश, इसका कोई नाम पता ठिकाना नहीं। माशरा इसे पक्की वास टिप्रस दास के देते हैं। ये देखते हैं कि ये लोग नस्ल दर नस्ल मौसम ऋत बदलने के साथ साथ इलाके भी बदलते हैं। 2 साल पहले ये लोग यहाँ गुजरवाला आए, जहाँ हमारी मुल्क बरादरी सरदार यासीन मलक वेलफेयर हस्पताल के नाम से एक अजीमुल शाम हस्पताल बना रही है, जो अपनी तकमील को अनकरीब पहुंच रहा है। इनकी कोई 50 के करीब झोंपड़ियां, जानवर और जिंदगी गुजारने का थोड़ा बहुत सामान था। जिप्सी सब की नुमाइंदगी बनकर सदर मुल्क बरादरी पंजाब हाजी मलक अफजल साहब के पास आए और तमाम लोगों के रहने के लिए जगह की दरख्वास्त की। मलिक अफजल साहब ने बखुशी इजाज़त दे दी। फिर ये खातून थोड़ी देर बाद मसवाकें लेकर आ गई और हम सबको तोहफे में पेश की। मलिक अफजल साहब ने इसे कुछ रकम दी और कहा कि अपने बच्चों और फैमिली के लिए खाने पीने का पहनने का सामान खरीद लो। कई रोज़ गुजर गए। मैंने इसे बाईपास पर हाथ में मसवाकें उठाए एक मनचले मर्द से उलझते देखा। जिप्सी इससे मुखातिब होकर कह रही थी कि मसवाक फरोश हूँ, जिस्म फरोश नहीं हूँ, किसी गलत फहमी में ना रहना। लोग जमा हो गए और वो आवारा लड़का वहाँ से भाग निकला। लोग ज़्यादा तमाशा ही देखते हैं। ये औरत रोती हुई अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई और कहने लगी, बाबूजी क्या किया जाए कि लोग किसी हाल में ज़िंदा भी नहीं रहने देते। मैंने हौसला देते हुए कहा, खुदा पर भरोसा रखो और वो बेहतर करने वाला है। इसका शोहर बेरोज़गार था और हमारे पास ही करीबी मस्जिद में नमाज अदा करता है। और फिर एक रोज़ मौजज़ा नमा हो गया। हम ऑफिस में बैठे थे और इस खातून ने मलिक अफजल साहब को $100 दिखाते हुए पूछा, हाजी साहब, मेरा खावन लंडे से कोट लाया है, इसके जेब से ये कागज़ निकले हैं, ज़रा देखिए। तो मलिक अफजल साहब ने कहा, ये असली नोट हैं। इसने कहा, बाबू हमें क्या पता, हम गरीब लोग तब्दील कराने जाएंगे तो इधर ही धर लिए जाएंगे। लिहाजा मलिक साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई और मैं करेंसी तब्दील करवाने के लिए आया। मलिक अफजल साहब ने अपनी जेब से भी कुछ रकम मिलाकर इसे वो रकम दी तो इसने नहायत मशकूर अंदाज से हमें देखा और चंद रोज़ बाद ही इसने अपने शोहर से मिलकर एक छोटी सी अशिया खुर्द नोश की दुकान डाल ली, जहाँ से 50 झोंपड़ियों वाले ख़रीदारी करते थे, जो ख़रीदारी के लिए बहुत दूर जाया करते थे। अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ता और ना ही इस जिप्सी को मसवाक बेचने। माशरा इतना गंदा है कि इसके दांत साफ करने की भी ज़रूरत नहीं।